जनता न्यूजच्या बातम्या आणि जाहिराती पाहण्यासाठी सबस्क्राईब लाईक आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा आपली जनता न्यूज मध्ये ब्रेक नंतर आपलं सर्वांचं स्वागत पाहूयात महत्वाचे फ्लॅट चे स्वप्न दाखवत कोट्यावधी रुपयांना ओळख झालेल्या तब्बल वीस कुटुंबियांची फ्लॅटचे आमिष दाखवत चेन्नई या रामगिरी दाम्पत्यानं कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक केली आहे दुसरीकडे या फसवणुकीबाबत पीडित कुटुंबानी रामगिरी दाम्पत्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केल्यानं रामगिरी दाम्पत्य आहेत लाखो रुपयांची आयुष्यभराची कमाई फ्लाट पाई गमावलेल्या या पीडित कुटुंबाने रामगिरी दाम्पत्याने गणेशनगरमध्ये वाटारे गल्ली नंबर दोन मध्ये बांधलेल्या इमारतीमध्ये मागील आठ महिन्यांपासून राहण्यास सुरुवात केली आहे पण मुंडवा पोलीस स्टेशनचे उप पोलीस निरीक्षक अधिकारीच मागील दीड महिन्यांपासून फ्लॅटमधून महिलेला शिवगाळ करत बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप पीडित कुटुंबामधील महिलांनी केला असून आम्हाला बळजबरीनं घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न मुंडवा पोलीस करीत आहेत वीज कुटुंब मुलाबाळांना घेऊन सामूहिक आत्महत्या करतील असा इशारा देखील पोणागंटी सुनीता पोकला लक्ष्मी सु अश्विनी तुला बंदुला सुवर्णा डोंगरी रेणुका यामवरपू तिरुपंतम्मा चिंतला तिरुपंतम्मा दुदेला लक्ष्मी बतुला कांतमा पावली केसम्मा पावली रत्तनम्मा रायवारपू लक्ष्मी देवी दासरी आदिलक्ष्मी पंदिला राधाकुमारी भोणगिरी रत्नारेड्डी रावण आम्मा परनेंगे नागलक्ष्मी पिन्नी बोईना पद्मा आल्ले या महिलांनी दिला आहे एकीकडे कायद्याचं संरक्षण करणारे जर कायदा हातात घेत असेल तर पुणे पोलीस आयुक्त आता काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागलंय पाहूया या पीडित कुटुंबांमधील महिलांनी मांडलेली कैफियत चेन्नई रामगिरी अमला रत्तम्मा मेरना व पैसा बे... पैसा लिया फिर वह बाद में देंगे प्लाट लिख के देंगे फिर वापस पूछने को जाएंगे तो प्लाट लिख के देंगे बोला लिख के दे करके बोले तो फिर बाद में लिख के देंगे प्लाट वो रेडी होने के बाद करेंगे देंगे देंगे बोले फिर नहीं दिए तो पूछने गए तो अभी नहीं देंगे क्या करेंगे करो तुम लोगों को ऐसा बताए थे हम लोग कंप्लीट करें कंप्लीट करने के बाद फिर वापस तकलीफ़ ज़्यादा हो गए वो लोग पूछने वाला वह सब मांगता तो अभी हम लोग आके प्लाट में रह रहे तो प्लाट में से पुलिस आके बहुत प्रॉब्लम दे रही बच्चे का वजह से फिर बच्चे को बाल बाल घर में भी आदमी लोग सब झगड़ा भी ज्यादा चल जाता ना लोगों का पैसा है ऐसे वगैरह हमारा ऐसा सर हम लोग को पैसा बहुत लेके अभी वो जेल में था वो ये पुलिस लोग बार बार आके हम लोग को निकालने के लिए बार बार बोल रहे बीस पंद्रह लोग आके हम लोग को लाठी दिखा के ताला लगाते बाहर आओ करके बहुत बोल रहे हमको बहुत लोग उन लोग से सिक्का बोले तो कंप्लीट नहीं कुछ नहीं बोल रहे ऐसे हमारे ऊपर आके लाठी दिखा के बीस पंद्रह लोग आके हम लोग को डर आके बोले yes. yes. मेरे को तीस लाख रुपए पैसा देने के वो कितना बार घर पे गए तो भी देंगे दे। दीदी तू टेंशन मत ले करके बताए मुझे तो फिर बाद में गए तो फिर वो लोग बोल रहे तुमको घर देंगे मैं यहाँ पे फ्लैट देंगे करके बताइए सर तो फिर पुणे में बीटी टी कौड़े रोड में रहता है इधर हमारा कोलिक मतलब हमारा साउथ की एक लेडी ने हमारे से सब लोगों से बी सी भरा के लिया है हस्बैंड एंड वाइफ हस्बैंड तो कंस्ट्रक्शन काम करता है हमारे सभी लोगों से बी सी भर के लिया है पैसा वसूल करके लिया है उसके बाद हमार को रिटर्न नहीं करिए उसकी बदली में हमार को कंस्ट्रक्शन करने का ये सोसाइटी में ही हमार को फ्लैट देंगे करके बोली थी उसने उसके बाद हम फ्लैट मांगने गया नहीं तो पैसा दो करके मांगने गए तो धमदाटी कर रहे थे गालिया सिवा दे रहे थे इसके वजह हम लोग उसके ऊपर कंप्लेंट किया है फिर इसी के वजह से फिर उन्होंने क्या किया ये लोग को एक रुपया मैं देना नहीं है दे चुका हूँ ऑलरेडी दिया करके सब लोगों को हमारे को नोटिस भेज दिया है कोर्ट से फिर इसके वजह से उसके ऊपर केस हुआ है क्योंकि हमारे अकाउंट में उसका वो जो दिए पैसा हमारे पास नहीं है अकाउंट में प्रूफ नहीं है इसीलिए तो पुलिस लोगों ने केस कर दिया है फिर इसके वजह वो लोग आदमी औरत दोनों जेल में गया फिर उसके बाद हम लोग ने एक एक बिल्डिंग में हमारे को भाड़ा भरने के लिए तकलीफ हो रहा था हम लोग आके रह रहे क्योंकि हमारा मेहनत का पैसा और लोगों का हमारे पीछे जो बी सी भरा है हमारे पास उनके पैसा पूरा हमने उनको दे दिया था फिर हमारे पास एक रुपया भी नहीं है अभी वो लोग को रिटर्न करने के लिए नहीं हो रहा है इसके वजह से हम लोग इधर रह रहे फिर उसके बाद पुलिस लोग अभी आके पहला कुछ नहीं था आठ महीने से हम लोग इधर है हमार को कुछ नहीं बोला था फिर अभी एक दो महीना डेढ़ महीने से हमारे को बहुत तकलीफ दे रहे पुलिस लोग आके हर रोज आने का एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे तुम लोग इधर नहीं रहना है ज़बरदस्ती नहीं किया हमारे को बहुत प्रॉब्लम कर रहे हम लोग जाके सर हमारे को थोड़ा एटलीस्ट हमारे को थोड़ा टाइम दे दो एटलीस्ट हम लोग को बाहर जाना ना हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स है एफ बी सी के वजह से हम लोग फंस गया है उधर ऐसा बोलने से वो लोग नहीं मान रहे गाली सिवा दे रहे के ऊपर आ रहे हमारे ऊपर हाथ उठा रहे गालियाँ दे रहे हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है पुलिस क्यों इन्वॉल्व हो रहा है सर तुम लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारा तकलीफ को हमारे को न्याय नहीं मिला है क्योंकि वो लोग को अंदर डाल दिया है हमारे को किधर से न्याय मिला नहीं मिला है हमारे को वैसा बोलने से वो लोग ने क्या गाले सिवे दे रहे हैं हमारे को जबरदस्ती आए थे दस पंद्रह दिन दो दिन पहले आके जबरदस्ती हमारे घर पे बच्चों लोगे वो लोग को बाहर निकाल के बैग्स वगैरह हाथ में दिला के एक गुनहगार जैसे हाँ नहीं किया एक एक को बाहर निकाल दिया रोड के ऊपर खड़ा किया है तीन दिन से अभी ये पाँचवा दिन है हम लोग सब लोग बाहर है क्योंकि खुद का लॉक डाल के चले गए पुलिस लोग को क्या राइट से करके पूछने से हमारे को गालियाँ दे रहे हैं तुम्हारे को क्या राइट से तुम लोग इधर रहना वैसा बोल के सुजाता रामगिरी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने हमारे को चीटिंग किया है औरत ने बीसी के वजह से चीटिंग किया है और आदमी ने कंस्ट्रक्शन में फ़्लैट देंगे करके दोनों तरफ से हमारे को ने एक एक जन का 25 लाख से लेके 60 70 लाख 80 लाख तक भी सब लोगों से ले लिया है अभी ज़बरदस्ती हमारे को पुलिस लोग खाली करवा रहे हैं हमारे को तो न्याय नहीं दे रहे पुलिस लोगों ने हमारे को अगर ज़बरदस्ती खाली करवाया हम लोग सब लोग ट्वेंटी फैमिली से है हमारा पूरा हम लोग इधर ही सुसाइड कर लेंगे वो उसके सिवा हमारे पास कुछ है ही नहीं है हम लोग को और ऑप्शन नहीं है हमारे को उनको पैर पकड़ रहे पुलिस लोगों का हमारे को एटलीस्ट हमारे को छोड़ दो सर तुम लोग ऐसा मत करो भाई वैसा बोलने से भी नहीं किया पुलिस लोग नहीं मान रहे हैं हमारे को बहुत तकलीफ दे रहे हैं पोलिस लोगों ने पी से लेके उधर मुंडवा चौकी से पूरा कि जितना पुलिस लोग है सब लोग आ रहे हैं इधर एक एक बार बीस बीस पुलिस लोग आ रहे हैं भी आ रहे हैं हमारे ऊपर हाथ हात धराय लाठी भी उठा रहे लेडीज करके भी हमार को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं दे रहे जनता न्यूज़ वार जनता न्यूज़ नवा शोध नवी बातमी